हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लब 24x7। आई एम पूजा शर्मा और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से, और बैक टू बैक आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद चैप्टर नंबर 1, विच इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। फॉर दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर में। पार्ट वन में हम क्या सीखेंगे, इंडिया में अब तक जितना ट्रेड एंड कॉमर्स फैला हुआ है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से कब से स्टार्ट हुआ और आज की डेट में जो भी हम देख रहे हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट टिल द डेट। सेकेंड पार्ट जो है आपका है बिजनेस से रिलेटेड, तो पार्ट वन थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ा सा बोरिंग है तो इसे हम करेंगे बाद में। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के पार्ट टू, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में ओवरऑल सब चीज़ें, बिजनेस क्या है, इसके फीचर्स और उससे रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या सीखना है हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। अब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ इज एनी काइंड ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग ऑन डे टू डे बेसिस। कोई भी ऐसा काम पूरे दिन में आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब किस चीज़ का पार्ट बन जाएगा, एक्टिविटी का। आप उसमें कोई भी काम इन्वॉल्व कर सकते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, पढ़ने जाना, किसी को पढ़ाना, पेरेंट्स की हेल्प करना, ए टू जेड, ईच एंड एवरी वर्क इज ह्यूमन एक्टिविटी, एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब क्या है, इन एक्टिविटी को हम डिवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलरली दो पार्ट्स में, वो पॉइंट टॉपिक आज हम सीखेंगे। सो इन आर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स। अब वो दो पार्ट क्या हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल लेंगे हमारे घर का, हमारे पेरेंट्स का, मदर एंड फादर। अब मदर भी मॉर्निंग से लेके नाइट तक किसी ना किसी काम में बिजी है, एट द सेम टाइम फादर इज ऑल्सो बिजी, बट देयर इज सम डिफरेंस इन द वर्क ऑफ मदर एंड फादर। अब वो जो बेसिक डिफरेंस है उसी डिफरेंस से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अब सबको दिख रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप की हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर का, बेसिक एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स का। अब क्या है, मम्मी ने भी काम किया और पापा ने भी काम किया। अब खुद सोचो क्या मम्मी जो काम करती हैं उन्हें बदले में कुछ मिलता है, मिलता है क्या, मिलता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कि मम्मी ने खाना बनाया, घर से रिलेटेड जितने भी काम है वो किए, हमारा ध्यान रखा, बच्चों का ध्यान रखा, पापा का ध्यान रखा, तो ये सब काम करके उनको क्या मिला, साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फैक्शन। अब पापा भी काम करते हैं बट पापा ऐसा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए तो काम नहीं कर रहे। अब दोनों ही सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेंगे तो भाई घर कौन चलाएगा, पापा को घर भी चलाना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे। तो पैसे कमाने के पर्पस से पापा ने काम किया और सेटिस्फेक्शन के लिए मम्मी ने काम किया। इट मींस मम्मा का जो काम था वो था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, बट फादर का जो काम था उसका मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना, तो वो हमारा एक्टिविटी, वो हमारी एक्टिविटी काउंट हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस बेसिस पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी बाय विच पीपल कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, कोई भी ऐसा काम जो पैसा कमाने के लिए, जीने के लिए या फिर आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे वो बन जाएगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपथी, सेंटिमेंट्स, और इसमें होता क्या है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको देगी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको क्या देगी, मनी। By performing economic activity, we can earn money. तो ये हो गया differentiation between economic activity and non-economic activities. कि कोई भी ऐसा काम जो आप पैसा कमाने के purpose से करेंगे वो हो गया economic. और कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ आप अपने satisfaction के लिए, अपनी खुशी के लिए, आपने suppose करो अपने किसी sibling की help कर दी, आपने अपने किसी junior की help कर दी पढ़ाई में, तो वो कैसे काम हो जाएंगे, non-economic activities. अब क्या है अगर classification की बात करें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्दर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं बनता, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
पर्पस क्या था? पैसा कमाना। अब पैसा भी आप कई वे से कमा सकते हो। अगेन वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ आर फैमिली कि आपकी फैमिली में ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई जॉब पर ही जा रहा है। हो सकता है कोई जॉब में इन्वॉल्व है, कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई ना कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है। तो इस बेसिस पर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं। फर्स्ट इज बिजनेस, फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, टी इज मिसिंग। तो बिजनेस की डेफिनेशन हम पहले समझते हैं। बिजनेस अब क्या चीज है? बिजनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मींस कोई भी ऐसा काम जो आप पैसा कमाने के पर्पज से करो और वो आपको बिजी रखे, वो बन जाएगा बिजनेस। अब बिजनेस कैन बी डिफाइंड एनी एक्टिविटी इन विच यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपने कस्टमर्स को कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जिसमें आपका एम था पैसा कमाना, प्लस में वो एक्टिविटी आपने की रेगुलर बेसिस पर। अब रेगुलर बेसिस में क्यों बार बार बोल रही हूँ? क्योंकि कोई भी अदर एक्टिविटी जो आपने पैसे कमाने के पर्पस से की, आपने कस्टमर्स को गुड्स भी प्रोवाइड किए, बट अगर वो एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म नहीं करते हो तो वो आपका बिजनेस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेशनरी की शॉप है, वो लोग दिन में बहुत सारा स्टेशनरी मटेरियल सेल करते हैं, उनके लिए तो ये बिजनेस है क्योंकि वो सेम एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। बट सेम यही एक पेन, सपोज करो मैंने ये पेन मार्केट से खरीदा और मेरी फ्रेंड को पसंद आया, मैंने उन्हें कर दिया रीसेल। अब यहाँ भी मैंने क्या किया, किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट अवेलेबल कराया और थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया कि 10 रुपीज़ का था मैंने 12 रुपीज़ में बेचा, 2 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट भी कमाया। बट क्या ये एक्टिविटी मैं डेली बेसिस पे करती हूँ? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी डेली बेसिस पर परफॉर्म नहीं की। दिस एक्टिविटी कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस। तो आपकी एक्टिविटी में रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया बिजनेस। सेकेंड हमारा है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम क्या करेंगे? कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें आपको एक नॉलेज चाहिए एंड स्किल चाहिए एक्सपर्ट नेचर की एक पर्टिकुलर फील्ड में। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या है? अपने पर्टिकुलर फील्ड का एक एक्सपर्ट पर्सन, उनके पास मेंबरशिप है, साथ के साथ उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है। तो वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो भी उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल किया है उस बेसिस पर वो अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सीए, लॉयर, ये सब क्या है? प्रोफेशनल्स। दीज ऑल आर प्रोफेशनल्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर एक्सपर्ट नॉलेज टू द पर्सन्स। तो ये आपका हो जाएगा प्रोफेशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन यू डू वर्क फॉर अदर्स एंड गेट्स रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। आपने किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम किया, बदले में आपको मिल गई सैलरी या फिर वेजेस, तो आप किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? एम्प्लॉयमेंट में, करेक्ट। तो ये थे हमारे 3 टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज। विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज वी कैन अर्न प्रॉफिट्स। फर्स्ट वॉज बिजनेस, कि ठीक है अपना ही कुछ काम किया। सेकेंड, हमने कोई प्रोफेशनल डिग्री लेकर हम प्रोफेशनल बन गए। थर्ड, ना तो मैंने बिजनेस खोला ना ही मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली, मैंने क्या किया, किसी और के अंडर काम कर दिया। तो आई एम इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट। तो आज हमने सीखा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके 2 क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने फर्दर क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने सिंपल उसका मीनिंग सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बिजनेस के फीचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे सेफ एंड हेल्दी।